Hi students, welcome to the Globalized English Crash Course. Yesterday we learned the prepositional phrase. We are learning the phrases. हम phrase और उसके kinds पढ़ रहे हैं. तो कल हमने जो सीखा था वो था prepositional phrase. तो आज हमारा जो next topic है वो है verbal phrase. आइए देखते हैं verbal phrase कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, उनकी कितनी अक्साम हैं और उसका usage कौन सा है. Let's get started and look at the board. Come on.

क्यों वाप के तौर पर काम नहीं करते इन स्टेड उसकी जगह दे एक्ट इज नाउन उसकी जगह वो नाउन की तरह काम करते हैं या एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं या फिर एडवाब adverb, एडवाब्स की तरह काम करते हैं ठीक है पहला पहला किसकी तरह काम करते हैं नाउन की तरह काम करते हैं नंबर टू एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं नंबर थ्री एडवाब की तरह काम करते हैं ऑलराइट तो हम वर्बल फ्रेज़ के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा पहला जो है वो है नाउन फ्रेज वर्बल फ्रेज़ के अंदर जो हम पढ़ेंगे पहला पहला-पहला अच्छा इसके इट हैज़ थ्री पार्ट्स इसके नोट करने की बात इसके अंदर ये है कि इसके जो है वो कितने पार्ट्स हैं थ्री पार्ट्स इसके तीन पार्ट्स हैं तीन पार्ट्स के अंदर जो सबसे पहला पहला पार्ट है वो है इन्फिनेटि फ्रेज़ इन्फिटिव फ्रेज़ कौन सा होता है फ्रेज ऐसे को कहा जाता है जिसके अंदर टू यूज किया जाए ठीक है जो हमारा पहला, पहला पार्ट है वो है ऐसा है जिसके अंदर जिसके अंदर अंदर क्या इस्तेमाल इस्तेमाल किया किया जाए जाए तो देखते हैं इंफिनेटिव फ्रेज कौन सा है इट्स रिटन ऑन द बोर्ड डेफिनेशन है infinitive phrase की प्रीपोजिशन टू जब टू प्रीपोजिशन इज फॉलोड फॉलो किया जाए बाय नाउन से फॉलो किया जाए इट इज प्रीपोजिशनल फ्रेज इट इज प्रीपोजिशनल फ्रेज उसे प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था ठीक है जब नाउन अगेन व्हेन द प्रीपोजिशनल व्हेन द प्रीपोजिशन टू इज फॉलोड बाय नाउन जब प्रीपोजिशन टू नाउन से फॉलो किया जाए इट इज़ प्रीपोजिशनल फ्रेज उसे प्रीपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है इज जैसे टू द टाउन शहर की तरफ राइट right. हमने कल पढ़ा था अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप कल वाला लेक्चर जाकर देख सकते हैं उसके अंदर हमने बहुत सारे सिखाए हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज जैसे इन द कार टू द टाउन ओवर द सी अक्रॉस द माउंटेन ये हमने कल पढ़ाए थे ठीक है तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे बट वेन टू इज़ फॉलोड जब हम जब टू फॉलो किया जाता है बाई अ वब वब के साथ फॉलो किया जाता है वब से फॉलो किया जाता है इट इज़ कॉल्ड इन्फिनेटिव फ्रेज उसे इन्फिनेटिव फ्रेज कहा जाता है इन्फिनेटिव फ्रेज किससे कहा जाता है जिसमें वर्ब टू के साथ इस्तेमाल किया जाए जिसमें वर्ब टू के साथ इस्तेमाल किया जाए उसे इंफीटिव फ्रेज़ कहा जाता है जैसे टू गो टू राइड टू इस्पीक टू वॉक दीज आर कॉल्ड इनफीनेटिव फ्रेजेज फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर सेंटेंस नंबर वन है, है यहाँ पर जो लफ्ज़ टू रीड है इसे कहा जाता है इनफीटिव फ्रेज ये इंफीटिव फ्रेज है ठीक है तो अगर हम इसको मालूम करना चाहें कि इन्फिनट फ्रेज कौन सा है तो हम क्या कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे हम पूछेंगे वॉट डिड मिस्टर जॉन वॉन्ट हम कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे वॉट डिड मिस्टर जॉन वॉन्ट सिंपली ओनली वन फ्रेज टू रीड इसके अंदर एक ही सिंपल फ्रेज आएगा वो है टू रीड इस क्वेश्चन का आंसर राइट नंबर टू के अंदर एग्जाम्पल नंबर टू के अंदर जो है मिस्टर स्मिथ वर्क्स हार्ड टू मेक मनी मिस्टर सिमित वर्क हार्ड कर रहा है पैसे बनाने के लिए पैसा बनाने के लिए तो इसका जो क्वेश्चन है वा वाई डज मिस्टर सिमित वर्क हार्ड अगेन टू मेक मनी तो यहाँ पर जो लव्स है टू मेक दिस इज इन्फिनेट फ्रेज क्योंकि इसके साथ टू इस्तेमाल किया गया है हमने एडवांस में यहाँ पर समझाया था कि इन्फिनेट वो होता है जिसके साथ हम टू इस्तेमाल करते हैं जिसके साथ टू इस्तेमाल किया जाता है उसे इंफिनेटिव कहा जाता है तो यहां पर टू गो टू रीड टू टॉक टू टेक टू टॉक ये सारे इन्फिनेटिव फ्रेजेस हैं राइट तो टुडेज लेक्चर इज़ ओवर विद द इन्फिनेटिव नाउन वर्बल फ्रेज का जो पहला काइंड है इन्फिनेटिव फ्रेज वो आज कम्प्लीट होता है हम नेक्स्ट जो इसका काइंड है वो हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ते हैं सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट सेशन